नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी ख्वाब दिखाकर सौदेबाजी करने वालों की। बताएंगे कैसे एक दलाल चढ़ा पुलिस के हत्थे, और साथ ही बात होगी कैसे नौनिहालों के सपनों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही दिखाएंगे पीएलएफआई को मिले तगड़े झटके को भी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उन लड़कियों के ख्वाब बड़े थे, लेकिन उनके ख्वाबों को पंख लगने से पहले ही कुतर दिया गया। उनके सपनों को किसने रौन दिया? आखिर क्या हुआ उनके साथ, आप जरा खुद देखिए। बड़े ख्वाब दिखाकर बड़े सौदे, क्या हो रहा है झारखंड की बेटियों के साथ? मिस इंडिया बनाने के नाम पर हो रहा है खेल। बड़े सपनों का शिकार हो रही है झारखंड की बेटी। ये वो लड़कियां हैं जो अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजाकर ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती थी। खुद को सिल्वर स्क्रीन पर दिखने की चाहत थी इनकी। ये मिस इंडिया बनने का ख्वाब लेकर आई थी, लेकिन उस ख्वाब के एवज में इनसे मांगी गई बड़ी कीमत। इसके सिंह के खिलाफ शिकायत करने आई हूँ कि वो फ्रॉड तरीके से मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट चलाते हैं, जिन पे जो सारी लड़कियों पे मतलब हमेशा अपना और मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं, वो उसको बढ़ाने के लिए वो हमेशा ऑडिशन लेते हैं, मिस इंडिया के नाम पर ऑडिशन लेते हैं और लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। बात के बाद वो पूछेंगे कि तुम क्या कर रही हो आजकल, मतलब वो अपने क्लास में लेना चाहते हैं उसका, पहले लड़कियों का वो कमजोरी जानना चाहते हैं कि उस लड़की में कमजोरी क्या है। कमजोरी मिलने के बाद वो उस चीज़ को बोलते हैं कि तुम टेंशन मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जिस चीज़ की कमी होगी तुम हमको बताना, हम पूरा करेंगे। तो पूरा करने का मतलब क्या, प्रोफेशनली टाइप से पूरा कीजिए, आप उस तरीके से पूरा मत कीजिए। सुना आपने कैसे इनके ख्वाब अर्श से फर्श पर आ गए? एक झटके में ही सारे ख्वाब बिखर गए। ख्वाब और हकीकत के बीच में आ गया वो सौदा जो कि ये लड़कियां करना नहीं चाहती थी। जी हाँ, मिस इंडिया बनाने के नाम पर झारखंड में हो रहा है बड़ा खेल। अपनी खूबसूरती के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराना चाहती थी, लेकिन उन ख्वाबों को पंख लगने से पहले ही कुचल दिया गया। हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। अपनी अदाओं को दिखाती ये खूबसूरत लड़कियां बड़े ख्वाब लेकर आई थी। ये मिस इंडिया बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए हुई थी, लेकिन ख्वाब पूरा करने की कीमत बड़ी लगा दी गई। पटना के IIPM संस्था की ये लड़कियां हैं। इन लड़कियों की तस्वीरें मिस इंडिया बनाने के नाम पर खींची जाती थी, लेकिन उसके बाद इन तस्वीरों को सोशल साइट्स के अलावा इंटरनेट पर भी अपलोड कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को बॉलीवुड और मॉडलिंग के नाम पर ब्लैकमेल किए जाने का भी आरोप है। ये मामला तब सामने आया जब इनमें से एक पीड़ित ने इस बारे में महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। IIPM के संचालक SK सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। कि कल ऑडिशन हुआ होटल सरताज में, और उसमें 18 लड़कियों का सिलेक्शन किया गया, ऑडिशन देने आए थे, जिसमें 7 लड़कियों का सिलेक्शन किया गया, और उन लड़कियों के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ, मुझे बोला गया, मुझे बोला गया कि तुम आगे बढ़ोगी तभी तुम मतलब इस काम के लिए तुम तैयार होगी तभी आगे बढ़ोगी। तो जब वो लड़कियां भी इस काम के लिए तैयार होगी तभी आगे बढ़ सकती है, ऐसे तो नहीं बढ़ सकती। अगर झारखंड की लड़कियों को बचाना है तो फिर ये काम तो करना पड़ेगा। गलत काम के लिए, जिसको मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकती। आरोप के मुताबिक SK सिंह ने जून 2014 में रांची में मिस इंडिया के चयन के लिए एक कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। इस कॉन्टेस्ट में 20 लड़कियों का सिलेक्शन किया गया, लेकिन आरोप है कि तब से लेकर आज तक इन लड़कियों को कहीं भी परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया।
आरोप तो ये भी है कि लड़कियों पर गलत कामों के लिए दबाव भी डाला जाता है। जब इन आरोपों के बारे में संस्थान के संचालक एसके सिंह से बात की गई तो उनका क्या कहना था ये भी आप सुन लीजिए। वो अगर आ जाए, हमें जहाँ तक याद है कि वो अपना मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं जमा की है, और ये एक बात ये होती है कि इसमें अविवाहित लड़कियाँ ही जाती हैं, वो अविवाहित हैं, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से एक मेडिकल रिपोर्ट बना के देना रहता है और वो नहीं जमा की है, इस कारण वो नहीं गई हैं, हमें ये पूरी तरह से पता है। क्योंकि इन सारी लड़कियों को भी बताया जाएगा कि आपको एक मेडिकल रिपोर्ट, आप फिजिकली फिट है, इसका एक मेडिकल रिपोर्ट, अविवाहित हैं, उसका स्वयं से अटेस्टेड किया हुआ एक कॉपी, ये सब आप जमा कर। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद महिला आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया। आयोग से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। जो कंप्लेन की वो उसका कहना था कि हमको भी इसी तरह एक्सप्लॉइट किए, कहेंगे जो हम कहेंगे वो करना होगा और तुम्हारा पूरा बॉडी डेवलप नहीं है, उसमें बॉडी डेवलप करने के लिए हम उपाय बताएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे हमको हमारे साथ जाना होगा, और इनका कोई भी चिन्हित करके कोई एनजीओ नहीं है जिसको कहीं से कोई फंड नहीं, और अपनी गाड़ी पर प्रेस लिखे हुए हैं, नहीं ये प्रेस में है, किसी भी प्रेस में नहीं है, और न कोई कन्फर्म्ड इनका कोई एनजीओ है। ये लड़कियों का इसी तरह करके उसमें से दो चार लड़की सेलेक्ट करते हैं कम उम्र की लड़कियों का कि हम ब्यूटी कंटेस्ट में हम कराते हैं, यहाँ ट्राइबल लड़कियों के नाम पर एक ट्राइबल ओबीसी करके इन्होंने प्रकाशित किया पेपर में, और उसका इंटरव्यू इन्होंने फिर सरताज होटल में लिया। एसके सिंह मिस इंडिया बनाने के नाम पर रांची में फिर से लड़कियों का चयन कर रहे थे। आरोपों के बाद महिला आयोग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। तुरंत एक्शन लेना चाहती हूँ, अगर इनका आरोप सही है तो तुरंत जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इस झांसे में आती हैं और उनके साथ भी ऐसा कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जैसा कि ये प्रिया बता रही हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा और आगे भी कभी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो पहले जाँच पड़ताल करके ही इस तरह के कार्यक्रमों में लोग जाएँ, लड़कियाँ जाएँ, उनके पेरेंट्स भी इस पर ध्यान रखें कि कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। यही मैं पूछा। माया नगरी और माया जाल का पुराना संबंध रहा है। न जाने ग्लैमर की दुनिया में जाने के लिए कितनी लड़कियों को सौदा करना पड़ा हो। जरूरत है कि ऐसे माया जाल में पड़ने से पहले उसके बारे में पूरी पड़ताल कर ली जाए। थोड़ी सी सावधानी से आप खुद को और खुद के सपनों को भी बचा सकती हैं। सनी शारद, ज़िविडिया, रांची। उस दफ्तर में पैसे लेकर दिया जाता है सर्टिफिकेट। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद एक दलाल पहुंच गया सलाखों के पीछे। आप खुद देखिए कि पैसे लेकर सर्टिफिकेट देने का खेल आखिरकार कैसे चल रहा था। सरकारी दफ्तरों में जारी है काला खेल, पैसे लेकर सर्टिफिकेट देने का गोरख धंधा। जी मीडिया की खबर का हुआ असर, दलाल पहुंचा सलाखों के पीछे। अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? यह है मुजफ्फरपुर का आरटीपीएस दफ्तर, यहां लगता है दलालों का चक्कर। अगर आपको भी बनवाना है कोई सरकारी सर्टिफिकेट तो आप बड़े आराम से यहां दलालों को पैसे देकर बनवा सकते हैं, लेकिन आप सावधान रहें, ये दलाल आपसे ज्यादा पैसे लेकर सर्टिफिकेट तो दे देंगे लेकिन गैर कानूनी तरीके से। इनका तरीका कानून के साथ नहीं, कानून के खिलाफ जाकर काम करने का है। जी पुरवैया ने अपनी खबर में इस गिरोह का खुलासा किया था। आप खुद देखिए इस गिरोह के कारनामे को। इस गोरख धंधे को कैमरे में कैद भी किया गया था। हमने आपको इन दलालों के काले कारनामे के बारे में बताया था, ये भी बताया था कि कैसे ये पैसे लेकर सर्टिफिकेट बनवाने का काम करते हैं, कैसे दलाली के ये पैसे अधिकारियों तक भी पहुंचते हैं। आप खुद सुनिए। गार्डियन बला आदमी
तो सुना आपने, यहाँ हर काम के एवज में एक फीस तय है, सरकारी नहीं बल्कि दलालों की तय की गई फीस। ये दलाल एक दिन में सैकड़ों आवेदन विभिन्न योजनाओं के लिए जमा करते हैं और फिर हजारों रुपए में होती है इनकी नाजायज कमाई। दलाली के इस गोरख धंधे की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया, उसने दलालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रशासन की ये मुहिम रंग लाई और एक दलाल गिरफ्त में भी आ गया। मोहम्मद मोइनुद्दीन करके कोई व्यक्ति है मिठनपुरा थाना क्षेत्र के, उनके द्वारा उनको तलाशी कुछ पत्रकारों द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इनके द्वारा अवैध कागजात और कुछ जाति आवासीय सब बनवाते हैं आके रेगुलर आरटीपीएस काउंटर पे। अतः इस संबंध में फिर सूचना पाके तो छापेमारी की गई। इसमें हमारे पनखंड के सभी कर्मी, माननीय मुखिया जी, ये लोग सभी लोग यहाँ मौजूद थे, उनके संबंध में उनके साथ हम लोगों ने वहाँ छापेमारी की और संबंधित बहुत कागजात जब्त किए जो बात सही लगली। और आईटी असिस्टेंट है, उन्हें आदेश दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के समय। जाहिर है दलाली के इस गोरख धंधे में दफ्तर में काम करने वाले अधिकारी भी शामिल होंगे, लेकिन उनके गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन के हाथ में एक दलाल जरूर लगा है जिसके पास से सैकड़ों कागजात भी बरामद किए गए हैं। अब इसी बात के लिए मान लीजिए कि जाति आवासी जो मान लीजिए कितना कागज आपके पास से बरामद हुआ है? कागज तो बरामद सैकड़ों कागज, 100 तो होगा हमारे फॉर्म में आदमी जो बना हुआ है सर। सब ठीक, गलत हम नहीं बोलेंगे सर। इसकी गिरफ्तारी के बाद इस गोरख धंधे में और भी मामले उजागर होने की उम्मीद है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी ने जी मीडिया की खबर पर एक बार फिर मुहर लगा दी। संज्ञान में है, उसी के एवज में ये कार्रवाई की जा रही है कुछ सूचना के आधार पर। आगे भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो अग्रतर भी कार्रवाई संबंधित दलालों या सबसे मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। गोरख धंधे के इस खेल में प्रशासन के हाथ अभी केवल एक दलाल लगा है, लेकिन इतना तो साफ है कि इस मामले में बिना सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत के अंजाम देना संभव नहीं। अब देखना यह है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मासूमों के बुलंद हौसले, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं मासूमों के बुलंद हौसले की। तो मासूमों के सपनों को बिखेरना चाहते हैं, लेकिन मासूमों के इरादों को झुकाने में वो नाकाम है। नौनिहालों के भविष्य को वो मिटा देना चाहते हैं, लेकिन नौनिहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या अब प्रशासन भी नौनिहालों के साथ खड़ा होगा? क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? आप जरा खुद देखिए। ये बच्चे किसी राजनीतिक दल के लिए नारे नहीं लगा रहे, ये बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, अपने भविष्य का हक मांग रहे हैं, पढ़ने का हक मांग रहे हैं। और ये जगह भी आपको बताते हैं, ये जगह झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का क्षेत्र जमशेदपुर। यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों के आसमान में उड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके सपनों को रौंदने में लगे हैं, स्कूल को जलाने में लगे हैं। बात हो रही है जमशेदपुर के मानगो इलाके के मछुआपाड़ा स्कूल की। ये स्कूल 13 साल से अपने भवन के अभाव में चल रहा है। प्राथमिक उत्क्रमित विद्यालय स्कूल झोपड़ी में चलाया जा रहा है, लेकिन इस झोपड़ी पर भी कुछ भू माफियाओं की नजर पड़ गई है। किसी ने झोपड़ी में चल रहे इस स्कूल में भी
आग लगा दी। इस आग ने पूरे स्कूल को खाक में मिला दिया। अब यहाँ पढ़ रहे बच्चों के सामने सवाल खड़ा हो गया है, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। इन बच्चों की हिम्मत फिर भी अभी खत्म नहीं हुई है। आरोपियों ने आग स्कूल में लगाई है, खाक में स्कूल को मिलाया है, लेकिन बच्चों के इरादे तोड़ने में वो हार गए। पढ़ने चाहते हैं हम लोग, पढ़ेंगे, माँ बाप का नाम सुन करेंगे। स्कूल कौन जला दिया? क्या पता? स्कूल में हम कैसे पढ़ेंगे? प्लास्टिक घेर के पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे। इस स्कूल में पहली से लेकर पांचवी तक की पढ़ाई होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने अब तक 5 बार इस स्कूल को आग के हवाले किया है। उसमें तो कुछ भी है भी नहीं ऐसा कुछ कि वो लोग उस चीज के लालच में लगा देगा। ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है कि जमीनें तो है, हो सकता है जमीन को छोड़ने के लिए ऐसा करता होगा लोग, जमीन छोड़ के हट जाए तो ठीक है। आज हम हट जाएंगे, शिक्षा विभाग तो किसी न किसी से तो स्कूल चलवाएगी है, चूँकि वहाँ बोर्ड लग चुका है सरकारी, तो स्कूल तो चलेगा ही, वहाँ पर कोई ना कोई चलाएगा ही। सब वहीं बस्ती के हैं, सब गरीब तबके के हैं, उनके पापा लोग मछली मारते हैं, माँ लोग झाड़ू पोछा का काम करती है, बर्तन बासन करती है दूसरे के घरों में, फिर भी अपना बच्चा लोग को पढ़ाती है लोग। ये लोग अपने बच्चों से काम करवाती थी, लेकिन हम इन लोग को मना करके बच्चों से काम छुड़वा दिए कि नहीं काम मत कराइए, अपने बच्चों से पढ़वाइए स्कूल में। ये बात मान करके अपने अपने लड़कियों को काम छुड़ा दिए लोग और स्कूल में पढ़ने भेजती हैं। हाँ FIR कर लो, वो लोग भी नहीं बोला, वो लोग बोला कि ठीक है देखेंगे। इस बारे में प्रशासन को भी जानकारी दी गई है, लेकिन घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। उपायुक्त ने इस घटना के बारे में संबंधित विभाग को जांच के लिए कहा है। दो इश्यूज हैं, पहला जो क्रिमिनल इशू है कि अगर वहाँ पर कोई अपराधी हैं, अगर किसी के द्वारा इंटेंशनली आग लगाई गई है, वो ये मैटर पहले इन्वेस्टिगेट हो जाए कि इंटेंशनल है कि एक्सीडेंट है, क्या है, अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई हो। और दूसरा, जिला शिक्षा अधीक्षक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि DFO के साथ मिलकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अनुपालन करते हुए लैंड का इशू यथासंभव रिजॉल्व करें, जिससे कि इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड कम्प्लीट हो। बहरहाल आरोपी चाहे जो भी हो, लेकिन इन नौनिहालों के सपनों और इरादों को रौंद नहीं पाएंगे। बच्चों के इरादों के आगे उनकी हरकतें टिकने वाली नहीं। अब सवाल है कि प्रशासन कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करता है। मुकेश मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। तो ये है मासूमों का जज्बा। बहरहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। सिमडेगा पुलिस को लगातार मिल रही है सफलता। एक बार फिर PLFI को मुंह की खानी पड़ी है। पुलिस और उग्रवादियों के बीच चली मुठभेड़ में पुलिस भारी पड़ने लगी, लिहाजा उग्रवादियों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। PLFI और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद मौके से भागे उग्रवादी। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस के हाथ लगा नक्सली घोषणा पत्र। सिमडेगा पुलिस को लगातार मिल रही सफलता। सिमडेगा पुलिस को PLFI उग्रवादियों के खिलाफ एक बार फिर सफलता हाथ लगी। इस इलाके में PLFI को लगातार शिकस्त मिल रही है। ये जलडेगा थाना इलाके का टिकरा जंगल है। पुलिस इस इलाके में अपने अभियान पर निकली थी, लेकिन इस इलाके में PLFI के उग्रवादी भी मौजूद थे। पुलिस को सामने पाकर उग्रवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी उग्रवादियों के खिलाफ जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मोर्चा खोल दिया गया
पुलिस को खुद पर भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस जो है सूचना वाली जगह पर पहुंची, पहाड़ पर ऊपर में वो कैंप लगाए हुए थे। पुलिस को देखते ही वो लोग फायर करना शुरू किए। पुलिस भी मोर्चा लेकर के जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से करीब 40-50 राउंड पुलिस की तरफ से गोली चली, 40 राउंड के आसपास। उधर से भी काफ़ी गोलियां चली है। उसके बाद उग्रवादी जब गोली चलना बंद हुआ तो चारों तरफ जंगल को घेर करके सर्च किया गया। सर्च अभियान में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने मौके पर से भारी संख्या में हथियार बरामद किए। इतना ही नहीं, पुलिस को मौके पर से AK-47 के खोखे भी बरामद हुए। AK-47 का खोखा मिलने से कयास लगाया जा रहा है कि इस दस्ते में PLFI सुप्रीमो दिनेश को भी रहा होगा। इस कयास के पीछे वजह भी है, इस उग्रवादी संगठन में AK-47 हथियार का इस्तेमाल दिनेश को करता है। चार राइफल जो 315 का राइफल है तो देसी निर्मित राइफल, लेकिन उसमें 303 का भी गोली लग सकता है, 315 का भी गोली लग सकता है। ये चार राइफल मैगजीन के साथ मिला है। उसके अलावे कई पिट्ठू बरामद किए गए हैं, इनके वर्दी मिले हैं, बड़ा बैनर मिला है जिस पर शहीद सप्ताह मनाने का बैनर बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का इनके द्वारा एक घोषणा पत्र सह नियमावली मिली है जो शायद पहले कभी नहीं मिला था। इस घोषणा पत्र नियमावली में उनके द्वारा पूरे अपने संगठन का क्या एजेंडा है, संगठन आगे क्या काम करना चाहती है, संगठन कैसे विस्तार करना चाहती है, संगठन कैसे अन्य उग्रवादी संगठन जैसे माओवादी और जो जो संगठन है उनके साथ मिल करके एक साझा कार्यक्रम कैसे चलाना चाहती है, ये भी सारी बातों का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है। दस्तावेज और जो हम लोगों के पास डायरी मिले हैं उससे स्पष्ट है कि इस और जो खोखा मिले हैं, क्योंकि खोखा AK-47 का मिला है, AK-47 इस दिनेश कोप के दस्ते में, मतलब PLFI के दस्ते में दिनेश कोप के पास है, ऐसा पुलिस को पूर्व से भी जानकारी है। पुलिस ने मुठभेड़ की जगह से चार राइफल बरामद किए हैं। ऐसे में हो सकता है कि चार उग्रवादियों को गोली भी लगी हो। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है कि इस मुठभेड़ में कितने घायल हुए। पहाड़ी काफ़ी घना था, सर्च ऑपरेशन तो किया गया है लेकिन किसी को गोली लगी है कि नहीं लगी है अभी तक ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गोली भी लगी होगी तो उग्रवादियों का ही पुराना ट्रेंड रहा है कि घायल को लेके भाग जाते हैं और भाग करके कहीं छिप करके इलाज कराते हैं। तो पुलिस इस बिंदु पर भी छानबीन कर रही है कि चूँकि चार राइफल मिल चुके हैं तो कहीं चार व्यक्ति घायल तो नहीं हुए हैं। इस बिंदु पर पुलिस का अनुसंधान जारी है और छानबीन किया जा रहा है। ये मुठभेड़ पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस ने उग्रवादियों का घोषणा पत्र भी बरामद किया है। इलाके में पुलिस को लगातार मिल रही सफलता से उग्रवादियों के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जुर्म की दुनिया की खबरों के साथ कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।